मंसूर। हाँ कैसे है तू? मैं ठीक हूँ यार, तू कैसे है? सब बढ़िया। और सुन, तेरा फ्लाइट टिकट और वीजा भेज दिया है। थैंक्स यार। हाँ जल्दी आ जाना। हाँ यार जल्दी आता हूँ भैया। आ गया तू? यहाँ बैठे हो? दुबई से मंसूर का कॉल आया था, जल्दी आने को बोला है उसने, वीसा और टिकट भेज दिया है, जल्दी जाना पड़ेगा। इतनी दूर जाना जरूरी है? यहाँ पर भी तो तू नौकरी करता है। यहाँ एक काम के बाद दूसरा काम शुरू करने में बहुत समय लगता है, लेकिन दुबई में वैसा नहीं है। वहाँ कंस्ट्रक्शन का अच्छा स्कोप है, और फिर एजेंट द्वारा भी तो नहीं जा रहा हूँ ना, मंसूर के बुलाने पर ही मैं वहाँ जा रहा हूँ ना। सुमति की इस हालत में तू वहाँ गया तो क्या ठीक होगा? दीदी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मुझे भी दीदी को इस हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं है, लेकिन आप यहाँ हो ना, इसीलिए जाने का सोचा। मामा अब जाओगे तो हमारे साथ कौन खेलेगा? मैं जाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा ना शेट्टी। हाँ। आऊंगा तो तेरे लिए क्या लाऊं? एक सुपरमैन टॉय। ओके आनंद। अरे आइए आइए। मंसूर भाई ने वीजा भिजवाया है, आप दुबई जाने की तैयारी कर लो, परदेश जाने के लिए भी अपना नसीब होना चाहिए। नसीब नहीं चाहिए, मंसूर जैसा एक अच्छा दोस्ती काफी है, अगर वो नहीं होता तो मैं दुबई सिर्फ मैप में ही देख पाता। भैया को गांव आए 2 साल हो गए, मेरी शादी में भी नहीं आए, मेरी शादी की सीढ़ी उनको देखने को बोल रहे हैं, ये लीजिए। मुझे बस इतना कहना है, 10 दिन में एक ही बार फोन में उसकी आवाज़ सुनती हूँ, उसकी याद आती है तो उसकी फोटोज देखती हूँ, पता नहीं कब मिल पाऊंगी उससे। माँ को बेटे से मिलना है, बहन को भैया से मिलना है, आपको अपने साले से मिलना है, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है, हम सभी के लिए मंसूर ही है। दीदी मैं एक अच्छी नौकरी के लिए जा रहा हूँ, बल्कि आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, ऐसा मैं कर भी नहीं सकता। मेरे वापस आने तक पहले जैसा आपके मधुर संगीत से यह घर भर जाना चाहिए, आपका चेहरा हमेशा मेरे मन में रहेगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उफ, सुपर बिल्डिंग्स, सुन। हाँ? तू पहली बार फ्लाइट में आया ना? हाँ यार। कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? एकदम जबरदस्त, एयर होस्टेस एकदम हीरोइन जैसी थी यार। इसी फास्ट ट्रैक ऑफिस में मैं काम करता हूँ। हाँ, घर की सारी जरूरत की सामान यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी लैंप, बल्ब, सब कुछ। हाँ, कभी ऑफिस में और कभी सेल्स में भी जाना पड़ता। अच्छा। है। हाँ, अभी तक तो बिना रुकावट के सब चल रहा है। पकड़, डिलीवरी के लिए है, ऑलरेडी लेट हो गए हम। तू भी ना यार। चल यार। दे के आता हूँ, तू यहीं बैठ। हाँ ठीक। अरे छोड़ यार, मैं कर लूंगा। लाना, तू भी नहीं यार।
आजा इधर है। हाँ क्या हुआ, थक गया क्या? हाय हाय, ये अपना राजमहल, आजा। क्या स्वामी जी? हाँ शंख घुमा रहे हो क्या? मंसूर तुम आओ आओ। ये है स्वामी जी फ्रॉम चेन्नई। गांव से फ्रेंड आएगा ऐसा लगा था, आ भी गया। हे सुबह से ये शंख घुमा घुमा कर मैं देख रहा, और वो बार बार उत्तर दिशा दिखा रहा है। हर दिशा का अपना एक अलग अलग फल निकलता है, और उत्तर दिशा का मतलब एक दोस्त आने वाले आ गया ना। हे सुबह मैंने कहा था ना ये आने वाले हैं, आप क्या मजाक कर रहे हो? जा रहे ब्रदर, मैं नारायण स्वामी फैमिली सब गांव में रहता है, मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट के किचन में काम करता हूँ। खाना बनाते हैं? मुझे ज्योतिष में बहुत रुचि है। देखो तुम्हारे आने के समय समय तुम्हारे बारे में कुछ बता सकता हूँ। तुम्हारे लाइफ में एक सुंदर लड़की एंट्री करने वाली है। हे स्वामी अभी अभी तो ये गांव से आया है, कहीं तुम्हारी बातें सुन के भाग ना जाए। तुम आने वाले टाइम में देखना, इसे एक लड़की से बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी। वेलकम वेलकम। थैंक यू मेरे लिए नहीं ये लो। थैंक्स। यो जिंदगी मिले ना मिले समझे, कॉफी जरूर मिलेगी। हे आनंद ये है सुंदर। हाय हेलो। हमको कब भूख लगेगी, हमको क्या खाना है, कब खाना है, सब सुंदर ही देखता है। ये ऑनलाइन में टेलीफोन बिल भरना, लाइट बिल भरना, सब कुछ यही देखता है, सब यही संभालता है। अरे रे रे आनंद को ऐसा लगेगा खुद का पैसा डाल के भरता हूँ मैं सब। हाँ ये लोग देते हैं मैं भर देता हूँ, बस मेरी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, अभी वीजा है इसलिए नौकरी नहीं छोड़ी अभी। यहाँ तुम तीनों ही रहते हो क्या? यहाँ एक चौथा भी है। हाँ। तू जब सुबह उठेगा ना तो नया अवतार दिखेगा तुझे। अभी वो कहाँ है? बाकियों का दिन सुबह से शुरू होता है और उसका दिन रात से। जेम्स सारा चाइना का माल है, पक्का ब्रांडेड कंपनियों के डुप्लीकेट आइटम्स okay, सारे 30%। मेरी बात सुन, चाइना से तूने ही लाया था ना, फिर मार्केट में तू क्यों नहीं बेच रहा है? रिस्क, उसके लिए 30% चाहिए तो दे, वरना रहने दे। फिर ठीक है, देता है। फिर ठीक है, डील डन। जेम्स जरा वाराना। फातिमा इनसे मिलो। जी? ये है जेम्स। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। फातिमा और हमने शादी कर ली है, ये मेरे लिए अपना घर छोड़कर आई है, हमें रहने के लिए एक भी घर नहीं मिल रहा है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जेम्स। नो प्रॉब्लम, तुझे एक अच्छी जिंदगी मिल गई, मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा मैं करता हूँ। गोपाल सर को बोलकर एक घर अरेंज करवाता हूँ, तुम दोनों वहाँ रह लेना। ओके हेलो हेलो भैया, मैं आनंद बोल रहा हूँ। सफर कैसा रहा तेरा? मैं अच्छे से पहुँच गया भैया, वहाँ सब कैसे हैं? सब ठीक है। मंसूर है क्या वहाँ पर? हाँ एक मिनट भैया, अभी देता हूँ। सुन भैया है गांव से। हेलो। हाँ अंकल कैसे? हाँ ठीक हूँ, पहली बार उनसे दूर का, थोड़ी चिंता हो रही है। आनंद के बारे में चिंता मत करो आप, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके अंकल, ओके ओके, चल यार लेट हो गए। हाँ, चल चल।
जब मैं पहली बार आया था तो सुबह 4 बजे तक उठ जाता था। हाँ, 4 बजे उठ के क्या करते थे? 4 बजे उठ के 4:10 में सो जाते थे। अब क्या करूँ मैं, दुबई का मीन राशि है वैसा। क्या बोले, अब शहरों का भी राशि देखना शुरू कर दिए क्या? बिल्कुल, इंडिया का कन्या राशि। अब हर जगह इंडिया में कन्याओं का राज चलता है। देखो, अब समुद्र में तैरती मछलियों का न दिन होता न रात, दुबई में भी तो ऐसा ही है। इसीलिए दुबई का मीन राशि कैसा लगा मेरा को? तुम क्या अपने आप को बहुत बड़े ज्योतिष समझते हो? स्वामी, पहली बार इस शहर में एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, कुछ अच्छी बातें कहकर भेजो ना। अरे मैंने पहले कहा था कि लड़की की वजह से तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, राहु काल से पहले निकल जा। थैंक्स। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ जेम्स, आजा। मैंने बताया था ना, ये आनंद कल ही आया है। हेलो। इसकी नौकरी के लिए गोपाल सर से इसकी पहचान करवाना है। ओके। एक काम करो, तुम दोनों नासिर के होटल में आ जाना, गोपाल सर वहीं आएंगे। सर से मैं तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। ओके 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 बाय, ऑल द बेस्ट। कौन है ये गोपाल सर? दुबई में आए हैं तो सबसे पुराने मलयाली हैं गोपाल कृष्णन। इस शहर में सबसे ही उनकी अच्छी पहचान है। यहाँ के 1 से 1 करोड़पतियों के सारे बिजनेस गोपाल सर ही संभालते हैं। अरबी हमेशा बाहर ही होते हैं, लेकिन अरबी को गोपाल सर पर पूरा भरोसा है। अपने जेम्स भी काफी करीब है उनके, एक तरह से सबके वेल विशर भी है वो। सुन, तू रिसेप्शन पे बैठ, मैं चेक लेकर आता हूँ। ओके। क्या हुआ? हाँ, क्या देख रहा है? ब्लाइंड फ्यूरी लिखा है। ये सारे ब्लाइंड्स होंगे क्या? सारे ही ब्लाइंड्स हैं। फ्यूरी कोची के होटल में ही गाते हैं ये लोग। यार, अपने जेम्स नहीं तो लगाया इनको काम पे। जब इनका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, रेस्टोरेंट पूरा हाउसफुल हो जाता सच्ची? है। क्या इनका प्रोग्राम मैं देख सकता हूँ? तू नहीं देख पाएगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 दिन का प्रोग्राम है। सिंगर का गला खराब होने से वो अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। अपने जेम्स नहीं तो बताया। ओह अच्छा। हाँ, अब तू चल, रेस्टोरेंट जाते हैं। पूर्णिमा से मिलने जा रहा है ना? चल यार, कुछ भी। सुन, यही है क्या पूर्णिमा? ए, वो नहीं, वो उसकी दोस्त प्रिया है। हेलो मंसूर। हाय प्रिया, ये मेरा दोस्त है आनंद। हाय। हाय। वैसे तो इसको हमेशा घर के खाने की आदत है, तो हमने सोचा आज कुछ अलग खाते हैं। वैसे क्या है होटल में स्पेशल आज? फ्रेंच गोलियां। क्या फ्रेंच गोलियां? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी खाना इनके पास बच जाता है ना, उसको मिलाकर बनाते हैं फ्रेंच गोलियां। अरे अरे, मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे एक कॉफी दे दो। वो ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, मंसूर को देखकर अपने यहाँ आ जाती है। ओके ओके। अरे वो बच्चे को देखना। हाँ पूर्णिमा, ये आनंद। आनंद, मंसूर हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। वेलकम टू दुबई। थैंक यू। हे, तू इतना ओवर वेलकम क्यों कर रही है? ये इंडियन एम्बेसडर थोड़ी ना है। आने वालों को वेलकम करना अपना तो संस्कार। करेक्ट। एकदम सही। आनंद ने मुझे अभी देखा है, फिर भी कितना सही पहचाना उसने, और एक तुम हो। हे, ऐसा चला तो एक कॉफी मिलने के लिए मुझे तेरी रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ जाएगी। मिस्टर आनंद, मंसूर जैसा दोस्त मिलना नसीब की बात होती है। ऑफ कोर्स मेरा भी। तुमको जल्द ही नौकरी मिलेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अरे अभी उसकी प्रॉब्लम नौकरी नहीं है। इस कॉफी का बिल कौन भरेगा? ए, अरे मार मत, तू यहाँ काम करती है, थोड़ा डिसिप्लिन तो मेंटेन कर। एंजॉय योर कॉफी। थैंक यू। हे पूर्णिमा, 6 महीने के लिए एडवांस में तुम्हारे घर भेज दिया है। थैंक यू सर, थोड़ा थोड़ा करके मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। सब कुछ पता है, फिर भी बोल रही है कुछ नहीं पता है। ये अदा मुझे अच्छा लगा, आई लाइक इट। सर, डिड यू आस्क फॉर वाटर? वाटर? हु आस्क्ड फॉर इट? गो 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 गो। Welcome, please come.
यही इस होटल का मालिक है, इब्राहिम रमानी। अरे सुन, वो लड़की कौन है? देख तेरे सामने से कितना बड़ा आदमी जा रहा है, साथ में उनकी बेटी है खातून। इस शहर के सारे शेख को इजीली शेक हैंड देते हैं ये, हर जगह इनकी अच्छी पहचान है। गल्फ में बहुत सारे होटल्स हैं इनके, उनमें से सबसे छोटा होटल है ये। इतने बड़े होटल्स कैसे इतनी जगहों पर बना लेते? प्रेस और मीडिया को इंटरव्यू देते वक्त एक सर्वर बन के स्टार्ट किया था ऐसा बोलते हैं, लेकिन इनके साथ जितने भी सर्वर थे वो आज भी सर्वर ही हैं। हेलो मिस्टर रॉय। सर। मिस्टर बॉस। हेलो। लेट्स गो, प्लीज टेक योर सीट। आज मैं यहां पर बहुत खुश हूं। इस शहर में मैं नौकरी के लिए आया था, एक सर्वर बनकर जिंदगी शुरू की थी। आज इतना बड़ा बन गया हूं मेरी मेहनत और ईमानदारी की वजह से, बिकॉज ऑफ माई डेडिकेशन एंड योर कॉपरेशन। लंदन के इंटरनेशनल चेन ऑफ रेस्टोरेंट होटल के चेयरमैन मिस्टर महमूद अशरफ एंड हिज सन मिस्टर बशीर अहमद हमारे साथ जॉइंट वेंचर के लिए तैयार हैं। उसमें MOU साइन करने के लिए वो अगले हफ्ते आएंगे। हम उनके साथ मिलकर एक 7-स्टार होटल बनाने वाले हैं। अब तक हम अपना गल्फ में ही बिजनेस कर रहे थे, अब लंदन में भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही टफ कंपटीशन के बाद हमें मिला है। मेरी डॉटर हायर स्टडीज खत्म करके आई है, अब इस प्रोजेक्ट में निशा भी इन्वॉल्व रहेगी। यू शुड ऑल कोऑपरेट विथ हर। जेम्स, इसमें 25 लाख रुपए हैं, ये जल्दी भेज देना। गांव के घर का काम नहीं रुकना चाहिए। वो मैं देख लूंगा। एक मदद, मेरा फ्रेंड नौशाद गांव से शादी करके अभी अभी आया है, उनको रहने के लिए एक जगह। लड़का अच्छा है ना? लड़का बहुत अच्छा है। फिर ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार। ये मेरा दोस्त आनंद है, गांव से आया है। हाँ। इंजीनियरिंग किया है, बहुत अच्छा आदमी है सर। लड़का अच्छा है बोलकर फायदा नहीं है ना, ये गलत टाइम पे आया है। रिसेशन है, इंटरनेशनल मार्केट भी डाउन है। 15 साल पहले लोगों को यहाँ और लाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब हालत यह है। हाँ। अब वापस लेकर जाने के लिए कहते हैं, इसलिए मुझसे जो भी हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जेम्स मैं निकलता हूँ। मंसूर, आनंद को अपना ऑफिस दिखा देते, चल। आनंद आना। हाँ आ गए तुम लोग। सामान पैक किया कि नहीं? जेम्स सर, पैक किया कि नहीं सामान अपना? यहाँ तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। सर हमारे पे थोड़ा दया कीजिए। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? अंधे थे इसलिए 5-10 रुपए में गाने वाले टैलेंट को मैं यहाँ लेके आया, ताकि तुम्हारी टैलेंट और निखर के लोगों के सामने आए। सिंगर का गला खराब है, एडजस्ट कर लो घर कर। होटल वालों को बोलकर उनका पैर थोड़ी पकड़ सकता हूँ मैं, बात को समझो तुम। ऑडियंस अट्रैक्शन सब जा चुका है, आखिर कब तक मैं तुम लोगों से डमरू बजवाते रहूंगा? ऑपरेशन के बाद जलील फिर ठीक हो जाएगा सर। मुझे नहीं लगता मैनेजमेंट सुनेगी। दूसरे ग्रुप को लाने को कहा है, तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ। विशाल सर, कल सुबह इन सब लोगों को एयरपोर्ट पहुँचा देना। ओके। आजकल किसी की मदद भी नहीं कर सकते क्या? सरप्राइज विजिट? तू भी तो मुझे सरप्राइज देती है, तो सोचा मैं भी तुझे सरप्राइज कर दूं। सो दिस इज द प्लेस हियर? यस सर। यू कंफर्टेबल हियर? यस सर। कूल। ओके, आज मेरा वेडिंग डे है पूर्णिमा। ओह, हैप्पी एनिवर्सरी। तेरी विशेष लेने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और भी काम था मेरा। वैसे अपने वेडिंग डे के दिन अपनी बीबी को छोड़कर दूसरे लड़की के पास आया तो क्या मतलब होता है? पता नहीं सर। मुझे सर सर बोल के तू मार मत, तुझसे मैं इनडायरेक्ट भी बोल दिया, डायरेक्ट भी बोल दिया, इससे ज्यादा मैं तुझे ओपनली कैसे बताऊंगा। चल आजा, क्लब चलते हैं अब, मेरी वेडिंग ट्रीट के लिए बुला रहा हूँ। उसके लिए आप आपकी वाइफ के साथ आना, तब मैं आ जाऊंगी। तू आएगी पूर्णिमा, तू आएगी मेरे पास।
अबे सुंदर, क्यों पका रहा है यार? अरे नहीं यार, सलमान के 5-6 मूवीज के डीवीडी मुझे मिली है, लेकिन ये प्रॉपर चली नहीं रही है। अबे ऐसे फेक सीडी में सलमान के मूवीज नहीं मिलेंगे, उसके फोटोज देखने मिलेंगे। हे मंसूर, सॉरी मैं भूल गया था, तेरी बहन की शादी का सीडी भी है मेरे पास, लेकर आ भाई जल्दी। अभी लाता हूँ। इस रूम में लगने वाली अब पहली सीडी है, सब कुछ अच्छा हो। हे भगवान। हे मेरी बहन की शादी में मैं जा नहीं पाया, इसलिए तुम लोगों को भी नहीं बुलाया। वो तो ठीक है यार, अपनी शादी में बुलाना मत भूल जाना। मेरे पहचान वालों से तो पहला इंसान है जो अपनी बहन की शादी सीडी में देख रहा है। स्वामी स्वामी स्वामी, सर को जरा। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये लो, अच्छे से लगाना। ब्लाइंड फ्यूरी में तू ही गाएगा। क्या मैं गाऊंगा? ये तो सिर्फ लाइट म्यूजिक है। अरे ये ब्लाइंड्स का म्यूजिक है, काला चश्मा पहनेगा तो तू भी ब्लाइंड हो जाएगा। ए जेम्स, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा यार। अरे वैसे भी वो प्रोग्राम का अट्रैक्शन ही उनका ब्लाइंडनेस है, और मैनेजमेंट भी उनको वापस भेजने के लिए बोल रहे हैं। मैंने ही उन अंधों को रोक कर रखा है। तो क्या उसको इतना रिस्क लेने देंगे क्या? ए, वो विजिटिंग वीजा में आया है, कुछ हुआ तो इसे अंदर डाल देंगे। ए, ये शंकर घुमा कर देखो, कुछ प्रॉब्लम होगा बता देगा। ये थोड़ी टाइम तक चुप रहेगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। सुन मंसूर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। हे हम किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे, सिर्फ 5 मिनट के लिए वेश बदलना है। ओके 5 मिनट ही काफी होती है प्रॉब्लम्स के लिए। हमारे झूठ बोलने से अगर 4 लोगों को जिंदगी मिल रही है, तो वो झूठ हम चाहें तो कितनी बार भी बोल सकते हैं कि मैं गाता हूँ। King of
सुपर यार, अंधा बनकर तूने तो कमाल कर दिया। चल आराम से संभाल के निकालो, ओवर एक्टिंग मत करना। हेलो भाई, हाथ तो दो। कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा गाया, एक्सेलेंट। बाय द वे, आई एम ब्लाइंड मोशा। क्या ब्लाइंड? नहीं नहीं, मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, ब्लाइंड को ट्रीट करने वाला डॉक्टर हूँ। वैसे ही आपकी आंखों को क्या हुआ? ब्लाइंड डॉक्टर है, संभाल के सर। मैडम आपको बुला रही हैं। हाँ ओके, थैंक यू सर। वो जींस कहाँ मर गया? यही कहीं होगा वो। एक नंबर गाना था, क्या गाता है। प्यार तो नहीं था। Hi, I'm Nisha. Congratulations. Hi. You really sung very well. ऐसा कोई नहीं होगा जिसे तुम्हारा गाना पसंद ना आया हो। इस टैलेंट से तुम बहुत ही आगे जाओगी। You will have many fans, but I'll be the first one for you. हम लोगों को तो सिर्फ खाली दुनिया ही दिखाई देती है, लेकिन आप जैसों को दुनिया की अच्छाई दिखती है। All the best, Mr. Anand. Thank you. जेम्स ने तुझे बहुत अच्छा रोल दिया है, अब तू यहाँ परमानेंट हो गया है, समझा क्या? अब तू ऐसे ही रहे बैठे। चल अंधे। हाँ निशा। डैडी मैं होटल से आ रही हूँ, वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बार और रेस्टोरेंट में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चल रही है। Dismiss all of them. I understand your emotions. ऐसे छोटे मोटे खेल तो चलते रहते हैं निशा, ध्यान ना दो तो पकड़े जाने का डर हमेशा उनके अंदर रहेगा, और पूछ लिया तो उनका डर ही उनके अंदर से निकल जाएगा। तो फिर उनको छोड़ दे क्या? गलती नहीं है बेटा, मरने के लिए गए समुद्र में कूदने वालों को भी लहरें 3 बार माफ करके ऊपर लाती है। तू 3 बार माफ मत करना, बस 1 बार माफ कर दे तुम्हारे डैडी के लिए। ओके, यू हैव योर डिनर, गुड नाइट। गलती ना करके भी माफी मांगने वाले डैडी को मैंने इसी घर में देखा है बेटा। तेरा नसीब बहुत अच्छा है, लोग जान जाने पर रोते हैं, लेकिन तू रोई तो उसकी जान चली जाएगी। जब तू छोटी थी और तुम्हारी माँ दुनिया छोड़कर चली गई, लोगों ने उससे दूसरी शादी के लिए बहुत जिद किया बेटा, लेकिन तुम्हारे डैडी नहीं माने। मुझे यहाँ आए कितने साल हो गए, लेकिन आज तक उसने मुझसे सिर्फ 2 ही बातें की बेटा, निशा खाई, निशा सो गई क्या? तो उसके लिए सब कुछ है। There's been a lot of orthodoxy. ये बॉल कैसे मारेगा देख ले। सुपर। धोनी के आने के बाद ही अपनी टीम फॉर्म में आई है, उनका शुक्र ऊंचाई पर यार। ऐसे ही थोड़ी 28 साल बाद इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाया, सुबह मैंने शतक घुमा कर देखा। पाकिस्तान क्या तो कैर नहीं, मैच ये लोग फिक्स करते हैं और नाम पाकिस्तान का लग जाता है। और कुछ है ये लोग, सारा मैच फिक्स है, अभी देख एक एक करके विकेट गिरेगा। तुम लोग नहीं जीत सकते हो तो हमको बोलोगे क्या? ओए रुमाल घुमा के मैच इंडिया फिक्स करता है, ये सबको पता है, और नाम खराब पाकिस्तान का है। हाँ रहने दो, हर बात का बतंगड़ तो तुम ही लोग बनाते हो ना, तुम्हारे लोग के हाथ एक कौवा भी कभी भी चैन से नहीं उड़ सकता। पाकिस्तान की गलत बातें करते हो, उनको मार कर रात गंदा मत करो। शंख हाथ से गिरते ही मैं समझ गया था आज कुछ अशुभ होने वाला है। सन, इंडिया के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। इंडिया पाकिस्तान इज योर कंट्री, नॉट हेयर। आस्क देम टू बिहेव देमसेल्फ, अदरवाइज देर विल बी बिग ट्रबल। सॉरी सर।
इंडिया के बारे में वो गलत बोल रहा था इसीलिए मैंने। ऐसा क्या, तू गांधी का पोता है क्या जो इंडिया के बारे में इतना सुन के भड़क रहा है? हमारे गांव में कोई भी महात्मा गांधी रोड बोलकर नहीं बोलता है, एमजी रोड बोलते स्टाइल में, वो भी क्या? तू यहाँ आकर इंडिया के लिए झंडा पकड़ रहा है, यही गुस्सा अगर तू इंडिया में दिखाता तो चार लोग आते सपोर्ट के लिए। ये गल्फ है, यहाँ किसी को किसी की तरफ देखने का भी टाइम नहीं है, यहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। एक बात बोलूं, खिलाड़ी इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, पहली बॉल में आउट हो जाए उसे पैसे जरूर मिलेंगे। तू यहाँ अगर 30 दिन भी काम करे तब भी तुझे सैलरी मिलेगी, इसकी गारंटी है क्या तुझे? चार पैसे कमा कर गाँव जाएगा तब इज्जत मिलेगी, कुछ भी जाए तो वापस मिल सकता है। कमाने का अगर ये उम्र चला गया ना तो तू चाहेगा तो भी वापस नहीं मिल सकता। नौकरी करके कमाने की सोच। मैंने कहा पास भी कहीं शंक तो नहीं है? इस एक्टिंग के लिए अवार्ड पक्का मिलेगा तुझे। विशाल, जलील कैसा है अब? अब ठीक है सर। ये लो। जलील सुनो, तुमसे मिलने आनंद सर आए हैं। सर, अरे रहने दीजिए आप लेटे रहिए, प्लीज लेटे रहिए। आपका चेहरा देखकर थैंक्स बोलने का भाग्य मुझे नहीं मिला सर। अरे ऐसे इमोशनल होने वाले जैसी कोई मदद मैंने नहीं की है। नहीं सर, आपकी मदद की वजह से ही हमारे 10 फैमिली बची हुई है सर, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कैश मैंने दे दिया है, हॉस्पिटल के खर्चे के लिए लगेंगे। यू आर अ गुड सिंगर, आपके बहुत फैंस है यहाँ पर, अब जल्द ठीक होकर गाना शुरू कर देंगे। ऑल द बेस्ट जलील। विशाल ख्याल रखना। ठीक है सर। अबे चश्मा लगा। ओ, जलील बहुत इमोशनल हो गया था ना, मुझे देखकर बहुत बुरा लगा यार। वैसे तूने बहुत अच्छा काम किया, रियली ग्रेट। अरे ये कौन? ब्लाइंड डॉक्टर निकल ले। ए, आनंद। आनंद ग्रेट सिंगर। थैंक यू सर। वाओ, क्या गाना गाया था वो गाना आज भी मेरे दिमाग से निकलता जी, नहीं जी, है। तो सब ठीक है ना? जी ठीक है। यहाँ पर कैसे आए? हम यहाँ सिंगर जलील से मिलने आए थे। ओहो चल चल। अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? मैं तुमसे उसी दिन पूछना चाहता था लेकिन तुम जल्दी निकल गए। बताओ तुम्हारी आंखें बचपन से ऐसी हैं या रिसेंटली कुछ हुआ था? नहीं, दो दिन से। क्या बोला तुमने? नहीं नहीं, दो साल से। दो ही साल हुए हैं। कोई बात नहीं, हम ट्रीट कर लेंगे। चलो आई टेस्ट कर लेते हैं। सर रूम नंबर 203 में जो पेशेंट भर्ती है उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन है। 203 नंबर कौन? डॉक्टर शर्मा को? ये कहाँ गए? हाँ चले गए, चलो बाद में टेस्ट करेंगे। यहाँ क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ही सब कर रहे हो। ऐसी सीजन में रेस्टोरेंट प्रॉफिट में चलाने में कितना मेहनत लगता है वो बात मैं ही जानता हूँ। यहाँ पर काम के लिए आए तो सिर्फ काम किया करो, फालतू बातों में ध्यान मत दिया करो। इस रेस्टोरेंट की एक रेपुटेशन है इसलिए बार बार लोग आते हैं यहाँ, तुमको देखने नहीं आते हैं यहाँ। यहाँ आने वाला हर एक गेस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली, गॉट इट? कोने में जाके फालतूगिरी नहीं करना। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। शट अप, तेरे बारे में किसने कहा? यहाँ कौन कौन फालतूगिरी करता है मुझे सब पता है। अगर खुद का काम ठीक से कर सकते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। That's it. Okay? ये आदमी जब देखो मुझे डांटता रहता है। उसने तुझे कुछ नहीं बोला, सब इसकी वजह से। hey, मैंने क्या कर दिया? हाँ तो वो तुझे पसंद करता है और वो तेरे साथ टाइम पास करना चाहता है लेकिन तू मानती ही नहीं है, इसलिए वो सारा गुस्सा हम पर निकालता है। उसको ना दूसरी लड़की ढूंढने को बोल। इसे तो जिंदगी जीना ही नहीं आता। छोड़ अब जाने दे। सुन मैं पेमेंट लेके आता हूँ, ठीक है? ये अंधे, अंधा होगा तेरा। ये चश्मा लगा पहले। ये किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। ठीक है मैं जाकर आता हूँ। अंधा बन के गाऊंगा और लड़की बटाऊंगा, अंधा बन के गाऊंगा और लड़की बटाऊंगा। ला 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 ला। अरे डैडी, मम्मी, डैडी, प्लीज हेल्प, अंकल,
मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। Your child? Yes. बच्चों को छोड़ के अकेले कहाँ गए थे आप? Thank you मेरे बच्चे को बचाने के लिए। Move. कोई बात नहीं। Move. कोई बात नहीं। Thank you, sir. Who's the father of this child? जी मैं हूँ सर, इस बच्चे का बाप। Come on, Javed. Arrest him. Give me the child. सर, सर क्या हुआ सर? Arrest किया। सर प्लीज बताइए ना सर। अबे हाँ, तुझे क्या जरूरत थी? ये क्या किया तूने? अरे उनको क्यों अरेस्ट कर लिया? तो और क्या करेंगे, यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। बच्चे को अकेला छोड़कर गए तो पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस को यहाँ पे फुल परमिशन है। अब प्रेस मीडिया सब यहाँ पर आएंगे। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे पता है तुझे? जाकर बचा लिया बच्चे को, क्लाइंट होने का भी नाटक कर रहा है। क्या होगा अब? चल ए, मेरी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था ना? अभी देखा जो बोला था सच निकला ना? चल बे, क्या सच निकला, सब बेकारी होता है तेरा भविष्यवाणी। ए, एक लड़की से अच्छा होगा करके मैंने तभी कहा था ना। तो? देखा होगा ना, पेपर में चपने जैसा बड़ा आदमी बन गया ना। ये सब कैसे हुआ है? इसने एक बच्चे को बचाया। बच्चा? कैसा बच्चा? बच्ची थी ना। देखा मेरा शंकर का ज्योतिष कैसे भविष्य देख कर बताया, समझ में आया ना? अब आगे क्या होगा सोचकर डर के टेंशन में खड़ा है वो। तुम लोग क्यों इतना बड़बड़ कर रहे हो? अरे तू तू क्या बोल रहा है? मैंने किसी को मारा क्या? एक बच्ची की जान बचाया, और क्या गलत है इसमें? इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन, तूने यहाँ ब्लाइंड सिंगर बनकर रजिस्टर किया है, कम से कम 100 लोगों ने देखा होगा तुझे। तू झूठा है, तूने खुद साबित किया है। अगर किसी ने भी तुझे पहचान लिया तो क्या करेंगे? तू क्यों बेमतलब का टेंशन ले रहा है? ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इतने बड़े शहर में कौन सा बड़ा आदमी हूं मैं जो इतना मेरे बारे में कोई सोचेगा यार। नहीं यार, तेरा चेहरा जिसके भी मन में छप गया है ना, वो जरूर पहचान लेगा तुझे। चीटिंग, चीटिंग। सबको ये लगेगा तुम्हारे फ्रॉड काम में हम भी शामिल हैं। यू नॉट ओनली चीटेड अस बट द पब्लिक आल्सो। कहाँ है तुम्हारा सिंगर? वेयर इज आनंद? सारे झूठे हैं। आर यू ब्लाइंड? रिमूव योर ग्लास नाउ। Let me see. उस आनंद को मैं पुलिस के हवाले करने जा रही। विजिटिंग वीजा में आकर ऐसे गलती करेगा तो यहाँ क्या पनिशमेंट मिलेगी तुमको पता है? मैडम, जो भी बोलना है आप मुझे बोलिए। वो सिंगर जब हॉस्पिटल में था तो आनंद को मैंने ही फोर्स किया था गाने के लिए। एनीवे, पब्लिक को चीट करके तुम लोगों ने पैसे लिए। मैडम, वही पैसा जलील का ऑपरेशन के लिए आनंद सर ने हॉस्पिटल में भरा है। हेलो। हाँ अंकल, मैं निशा बोल रही हूँ। आनंद हमारे होटल का स्टेज सिंगर है। किसे ब्लाइंड के लिए पैसे भरे थे क्या? हाँ बेटा, जलील के ऑपरेशन के सारे पैसे उसने ही अपनी तरफ से भरे। ओके अंकल। आनंद बहुत अच्छा लड़का है, उसके जैसे लड़के ढूंढने से भी नहीं मिलते। थैंक यू। ठीक है ठीक है, जाओ, यू कैन गो। चलो आओ। अरे मंसूर, हाँ, ये अल्फला कंपनी के बारे में कुछ पता है क्या? हाँ पता है। वो वहाँ कल एक वॉक इन इंटरव्यू दिखा रहा है। हाँ, वहाँ हमेशा वॉक इन चलता है, ट्राई करके देख। तो फिर कब है इंटरव्यू? कल सुबह 10 बजे। गुड, यू हैव गुड क्वालिफिकेशन, गुड एक्सपीरियंस टू, बट यू शुड बी प्रैक्टिकल। श्योर सर। मिस्टर आनंद, कंस्ट्रक्शन फील्ड से संबंधित आपको जो डेट बताई जाती है उसी डेट को हैंडओवर करना होता है। बट समझो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्या ज्यादा आदमी को रखोगे? नो सर, मैं लोगों को कम करूंगा। क्यों? लोगों को कम क्यों करोगे? व्हाट आर यू टॉकिंग? सर, जब छोटे बच्चे चलना शुरू करते हैं और वो जब गिर जाते हैं तो देखते हैं पास में कोई है क्या, कोई होगा तो रोना शुरू कर देंगे, नहीं तो अपने आप उठ खड़े हो जाएंगे। वैसे ही लोग ज्यादा हो गए तो काम कम और बातें ज्यादा होंगी।
बिना बात किए हुए हमें काम कराना चाहिए और पैसे बढ़ा के देना चाहिए। सर, डांट के काम कराने से ज्यादा प्यार से काम कराएं तो मालिक और कामगार के बीच हमेशा अच्छा रिश्ता रहेगा। ओके, वी विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू सर। मिस्टर जितिन, आप अंदर जा सकते हैं। क्या रे, मिली नौकरी? एक्सपेक्टेशंस की भी ना एक लिमिट होती है। जाते ही कांग्रेचुलेशंस, यू आर अपॉइंटेड करके सिर्फ मूवीज में बोलते हैं, असल जिंदगी में नौकरी पाने के लिए टाइम लगता है। अब चल। गुड मॉर्निंग मैडम। सर, मैडम। वो हमारी कंपनी की एमडी हैं। एमडी है? असली जिंदगी में नौकरी नहीं मिलेगी, ये बात समझ में आ गई है। अब चल। गोपाल सर के बेटे का बर्थडे है, हमको बुलाया है, उसके लिए गिफ्ट लेना है। इसमें से कौन सा लेंगे? देख पूर्णिमा। चल जा जा। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। हे पूर्णिमा, हाय। हाय मंसूर, यहाँ कैसे? हे, कहीं तुम दोनों ने कुछ प्लान तो नहीं बनाया है और अब ड्रामा कर रहे हो मेरे सामने? ए, तू चुप कर। मंसूर, वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड गांव जा रही है, इसलिए सोचा कि घर के लिए कुछ सामान भेजो, इसलिए आई हूँ। मुझे भी एक गिफ्ट खरीदना है, यू कैरी ऑन। ओके मंसूर, बाय बाय, सी यू। सर के बेटे को ये लव सिंबल समझ में आएगा? ठीक है ठीक है, दे 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 दे। अच्छा है, बदले में मैं बच्चे के लिए दूसरा गिफ्ट देखता हूँ। अबे जाबे। असल में अभी भी बहुत कुछ खरीदने का मन है, अगली बार देखेंगे। मंसूर, ये लो पूर्णिमा। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। क्या है बताओ तो। घर जाके देखना इसे। थैंक यू। बाय। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बच्चे? थैंक यू अंकल। कम ऑन, कट द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। ओके गोपाल कृष्णन, ओके सी यू ऑल, बाय एवरीबॉडी। सुनिए, यहाँ तक आकर बिना खाए जाएंगे क्या? लक्ष्मी, वो खुद के बेटे के बर्थडे पर लंदन से फोन करके कॉल पे विश करते हैं। हमारे फंक्शन पे आना ही उनकी बड़ी बात है, तू बाकियों पे ध्यान दिया कर। ठीक है। जेम्स, मंसूर, चलो। हे, केक मैंने निपटा दिया, इधर खाना नहीं है क्या? फोकट का खाने के लिए इतना क्यों तरस रहा है तू? ओए, फोकट खाएगा तभी तो पेट भरेगा, वरना गले में अटक जाएगा। क्या रे स्वामी, तेरे अंदर शर्म नंग का चीज नहीं है क्या? चल आओ आओ बैठो। ये घर है या महल? ओह सर, ये अरबी का घर है क्या? अरे नहीं, वो मेरा घर है, गांव में बनवा रहा हूँ, बस थोड़ा काम बाकी है। इसलिए सर इतने खुश हैं? खुश तो हो बहुत, रास्ते पर मैं सोता था, बहुत दुख सहा हूँ मैं, पसंद की नौकरी नहीं मिली, फिर जो मिला वही किया। क्या काम किया पता है? स्मगलिंग, वही करते करते यहाँ आकर पहुँचा हूँ। भगवान जैसे मुझे अरबी मिला, अरबी मेरा भाग्य है तो मेरी बीबी लक्ष्मी मेरा पुण्य है। मेरा उम्र देखे बिना पूरे मन से उसने मुझसे शादी किया, वो और मेरे चार बच्चों ने मिलकर मेरे जीवन को एक मकसद दिया। मैं खाली हाथ आया था,
इसलिए मैं उनके लिए ही सब कुछ जमा कर रहा हूँ। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो उनको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अन्ना, समय देके बिना आप कुछ मत बोलना, क्योंकि राशि के हिसाब से आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। आप चाहे भी तो आपके साथ कुछ उल्टा नहीं होगा। अब हमारा भी कुछ अच्छा कर दो, जल्दी से सामान निकालो जी। पूर्णिमा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा मुझे जो पसंद है वो काम मत किया करो। सर, सुबह के फॉरेन डेलीगेट्स को मैंने रिसीव किया और उनके साथ बैंक्वेट हॉल में भी मैं थी। इसमें आपको पसंद ना आने जैसा क्या है? तू जो बाहर जाके करती है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पैसे की जरूरत पड़ती तो यहाँ आती है। तू मंसूर के साथ घूम कर प्रेजेंटेशन ली ना, ये सब मुझे नहीं पसंद। सर, वो मेरा पर्सनल मैटर है। मैं तुझे अपनी पर्सनल मानता हूँ। दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट हिम, ब्लडी फेलो। सर, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, मेरे काम में कोई गलती हुई तो आप मुझे बता सकते हैं। एज अ बॉस, आपको उसका हक है, लेकिन मंसूर, वो मेरा पर्सनल मैटर है। बाकियों के पर्सनल मैटर में जेंटलमैन कभी नाक नहीं घुसाते। मैं तो आपको जेंटलमैन समझती हूँ। पूर्णिमा, तुम मुझे गलत मत समझ, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब कुछ, उसी ने मुझे फोर्स किया था। आखिर उसे चाहिए क्या? हाँ, उसको मैं चाहिए। वो तुझे पसंद करता है, तू उसे हाँ बोल दे। छे, तो चुप कर, उसका तो दिमाग ही खराब हो गया है और तेरा भी हो गया। इसमें गलत क्या है? हम सब यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हैं और अब पैसा तेरे पास खुद आ रहा है, तो प्लीज यार हाँ बोल दे। तुझे चाहिए तो तू जा। हाँ, अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं रेडी हूँ। वो भी लेकर रखा है मैंने। ए, तू अपनी मर्जी से जी ले, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, पर मैं बहुत खुश हूँ। दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं करूँगी। मेरी जिंदगी मंसूर के लिए। ओम भूर भुवस्वात् शब्दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। क्या हुआ रे यार, आखिर बात क्या है? क्या हुआ, क्या हुआ आनंद? मुझे नौकरी मिल गई यार, नौकरी मिल गई यार, नौकरी मिल गई। सुनो भैया, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। हाँ, आज ही ज्वाइन किया है। अरे वाह, आपको पता है यहाँ के बहुत बड़ी कंपनी में मिली है। मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी पता है आपको? दुबई के सबसे ऊंची इमारत पर। आप दीदी का ख्याल रखिए। तुम टेंशन मत लो, काम के बाद शाम को कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके भैया। मिस्टर आनंद, क्या हमारी मैडम से आपकी पहले से पहचान है? उनको पहले देखा है मैंने। तभी तो तुम्हारे इंटरव्यू के दिन मैडम भी वहाँ पर आई थी। तुम्हारा बायोडाटा देखे बिना उन्होंने तुम्हें अपॉइंट करने के लिए कहा। तुम्हारे बारे में उनकी राय बहुत ही अच्छी है, इसीलिए तुमको रिकमेंड किया है। अभी तुम्हारा वर्क वीजा फॉर्मेलिटी सब देख रहे हैं। आनंद मैडम। हेलो मैम। हेलो मिस्टर आनंद, हाउ आर यू? फाइन मैम। एंड हाउ इज योर जॉब गोइंग? ये आपकी कंपनी है, इस बात का मुझे पता नहीं था। आपको देखते ही मैं समझ गया था कि ये नौकरी मुझे नहीं मिलने वाली। ऐसा क्यों? वो मैंने ब्लाइंड सिंगर का नाटक किया था इसलिए। So what? बदले में कुछ ना चाहकर किसी की हेल्प करने का सोचा तुमने। तुम्हारी यही तो दिल की अच्छाई मेरे दिल को भा गई है। और मैं कौन होती हूँ तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान की नौकरी छीनने वाली? ओके, यू कैरी ऑन विथ योर वर्क। थैंक्स मैम, सी यू। कौन है तू? पहचाना नहीं क्या? मैं पूर्णिमा का फ्रेंड हूँ। यह क्या काम है तेरा? कॉफी पीने आया हूँ। तेरा चेहरा यह आकर कॉफी पीने लायक नहीं है। क्या सर, कॉफी पीने के लिए भी चेहरा चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, तेरा चेहरा प्लेटफॉर्म पे चाय पीने वाले की, क्या तू कभी आईना नहीं देखता? आगे से तू दोबारा यहाँ नहीं आएगा। अगर तू फिर से दिखा तो सोच ले, पहले मेरे कोच के साथ तुझे भी हमेशा के लिए यहाँ से भेज दूंगा। माइंडेड? सर, ये मंसूर के लिए है सर। अब जाकर दे उसको। Thank you.
मंसूर। सुन पूर्णिमा, मोहनराज समझता क्या है अपने आप को? इज्जत देने नहीं आता क्या उसको? उसका झूठा पीने नहीं आया था मैं, मन कर रहा था उसको पकड़ के एक। I'm very sorry, मंसूर। अब तू वहाँ एक सेकंड भी मत रुक, नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, आ जा तू। मेरी हालत नहीं जानते हो तुम, सब मिलकर बताती हूँ। अब हम यहाँ नहीं मिलेंगे, प्लीज मेरी बात को समझो। उसने तुम्हें बहुत हर्ट किया, प्लीज आई एम सो सॉरी। काम खत्म करके बताती हूँ कहाँ मिलना है, ओके? ठीक है। हेलो। हाँ जेम्स। हाँ बोलिए सर। तेरे घर पे मैंने 9 साल का फ्लैट किया था। हाँ। वहाँ रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ये कहकर बगल के फ्लैट वालों का कॉल आया था। वो पुलिस को बुलाया तो हमको प्रॉब्लम होगी, तू वहाँ जा। हेलो। खाली करवा कर मुझे कॉल कर। ठीक है सर। हेलो। 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 बाजू से बहुत सारे शिकायतें आ रहे हैं, फ्लैट खाली कर अभी। नौशाद कब आएगा? नहीं मालूम। कुछ भी पूछा तो पता नहीं बोलती हो, तुम उसकी बीवी ही हो ना? मैंने उस पे विश्वास किया, अपने माँ बाप से लड़के मैं यहाँ पर आई उसके साथ, और वो सिर्फ 2 दिन के लिए अच्छा इंसान था। नहीं, 2 दिन के लिए भी नहीं, वो तो सिर्फ नाटक कर रहा था। अब तो वो इस हद तक गिर चुका है कि अपने दोस्तों को यहाँ लेके आता है और मुझे कहते है कि दारू दो और बोलता है उनके साथ बेड पर सो। नाटक करती है, साले उठ। याद रख, वो मेरा बॉस है, तुझसे बढ़कर मुझे वो प्यारा है, जाके सो उसके साथ, कुछ नहीं होगा। 900 जुए खाकर बिल्ली हज को चली। तुझे कोई है? जैसे दिए पूरा वसूल करूं। मैं कैसे करूं ये सब? मैंने उससे प्यार किया है। ओके, नौशाद आए तो बोलना फोन करने। भैया, मेरे रिलीजन में भगवान के लिए रूप नहीं, मैं तो आपको भगवान के रूप में देख रही हूँ, इस नरक से मुझे बचाइए प्लीज। मोहनराज को वहाँ तुम्हारा आना पसंद नहीं है मंसूर, काफी टाइम से मुझे परेशान कर रहा है। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। ये सब छोड़ो, वो सब मैं देख लूंगी। हम पहली बार बाहर आए हैं, इसी में मैं खुश हूँ। चलो, क्या खाओगे? इतने दिन तक तू मुझे सर्व कर रही थी, आज मैं तुझे सर्व करूंगा। बोल, क्या पसंद करेगी? तुम्हें जो पसंद है वही मुझे भी पसंद है। लेकर आता हूँ। बात, ये भी हमें किसी भी तरह फाइनलाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डील है, हमें किसी भी हालत में ये डील कंप्लीट करना है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
समझा क्या है तूने? खेल रही है क्या? फोन क्यों किया तूने? सॉरी मंसूर, वो मैं पागल समझ के रखी है क्या? मेरा काम छोड़कर कुत्ते के जैसा भागू क्या तेरे पीछे? नहीं मंसूर। ए, नहीं तो तू क्या कर रही है? लड़कों को अपने जाल में फंसा कर निकल जाना ही तेरा काम है क्या? मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो मंसूर। ए, बस कर तेरी झूठी कहानियाँ। मैं सच कह रही हूँ मंसूर, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने जानबूझकर नहीं किया ये, मेरी सिचुएशन ऐसी थी। मुझे तुमको कुछ बताना है, तुमसे मिलकर बताना है। मेरी बात को समझो मंसूर। रो मत, अभी कहाँ है तू? कोयम्बतूर में मेरे पापा काम करते थे। मैं माँ और दो बहनों के साथ खुशी से जी रहे थे, तभी अचानक वो घटना हुई। भगवान को जो लोग ज्यादा पसंद है उनको बहुत तकलीफें देते हैं, ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। और शायद भगवान जी को हमारा परिवार कुछ ज्यादा ही पसंद था। पापा के जाने से हम काफी टूट चुके थे। उसके बाद एक टाइम कभी खाना न मिलने पर हमने सुसाइड करने के लिए सोचा। तभी वो तमिल औरत हमारे घर पर आई और मेरी माँ से उस तमिल औरत ने ये कहा कि दीदी अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैंने सन सोलर नाम की एक कंपनी खोली है। इंसान बहुत चीजों के बिना जी सकता है, लेकिन लाइट के बिना जी सकता है क्या? पावर जनरेशन की कंपनी है, जब हुनर है तो तकलीफ क्यों सहे? आपकी बेटी पूर्णिमा होशियार है, मेरी कंपनी में आके काम करेगी तो आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तू अगर किसी से मदद मांगेगी तो कोई भी तेरी मदद करेगा। तू जितना डिपॉजिट लाकर देगी उसका 20% तुझे कमीशन दिलाऊंगी। मेरा एक ही वाक्य है, प्रकाशित भविष्य के लिए अभी करो निवेश। कैसी लगी लाइन? अच्छा हुआ बेटा, लड़की होकर तुमने बहुत तकलीफें सही। तुम्हारे पापा ने कुछ जमा नहीं किया, ढेर सारा कर्ज छोड़ गए। मेरे बच्चों में काफी लोग अच्छे ओहदे पर हैं, मैं बता रहा हूँ। उनसे जाकर मिलोगे तो जरूर तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद करेंगे और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। लाइन का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एक इन्वर्टर और एक पुराना जनरेटर भी है। तुम्हारा ये सोलर सिस्टम मुझे नहीं चाहिए। ठीक है सर। हाँ रुको रुको रुको, बैठो। लाइट नहीं चाहिए कहा मैंने? तुम्हारी मदद करने से थोड़ी मना किया। तुम्हारे पापा गुजर गए, कितनी तकलीफ होती होगी मुझे पता है। ये सब मुझ पर भी गुजर चुकी है। तू बता तुझे कितना चाहिए? आपसे जितना होगा उतना दीजिएगा। मेरे मामा कहते हैं हाथी को देखकर खरीदना चाहिए, मदद करो तो लक्षण देखकर करना चाहिए। मुझे तुम्हारे लक्षण अच्छे लगे इसलिए मदद कर रहा हूँ। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट से मैं बहुत खुश हूँ। अब अपने पहचान वालों को भी इन्वेस्ट करने के लिए बोलो, ठीक है? ठीक है मैडम, नमस्ते। जरा ये फाइल अकाउंटेंट को दे। जी बुलाता हूँ मैडम। अरे पूर्णिमा कैसे आना हुआ? कलेक्शन के सारे चेक इसमें हैं, पूरे 50 लाख रुपए। एक मिस्टर कैमल सर ने बहुत मदद की है। तुम ऐसे लोगों को ही पकड़ना, जिसके पास बहुत पैसे हो वही लोग हमारे काम आ सकते हैं। इसलिए तुम्हारा ज्यादा फोकस उन लोगों पर होना चाहिए। मैं अपने बिजनेस से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ दूर करना चाहती हूँ बेटा। ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हारा कमीशन तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगी। ठीक है सर, बाद में बात करता हूँ। ए, कहाँ है वो औरत? किससे मिलना है आपको? इतने लोगों के पैसे डुबाकर तुम हमसे नाटक कर रहे हो? काट दूंगा साले। इनसे क्या बात करेला है? आप उनके पैसे डुबाए ले ना, उनको मारना चाहिए। पकड़ो, ओए काज साले। से मिलने गए हैं। हाँ, सुबह न्यूज़ में बता रहे थे, पकड़ के मारो इनको, ये लोग नहीं सुपर पावर है। पैसे लेकर वो औरत भाग गई। सर यहाँ पर आके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे बाप रे, पुलिस भी आ गई। कस्टमर हंगामा मचा रहे हैं, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। तुम एक काम करना, ध्यान से रहना, तुम बाहर मत। मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटा? उस औरत ने हमें धोखा दिया माँ। अपनी मदद के नाम पे उस औरत ने बहुत से लोगों के पैसे डुबो दिए। बाकियों की तरह पैसे दो कहकर गला नहीं पकड़ूंगा मैं, लेकिन अब क्या करेगी? मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा सर, थोड़ा टाइम दे दीजिए। मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताएगी तो बहुत समय दे दूंगा। सर तुझसे पैसे लेकर मुझे घर पे चावल लेने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में भरा पड़ा है। मैंने पैसा गिनना शुरू किया था लाखों से, समझी तू? अभी भी पैसा छोड़ दे बोलकर मन कह रहा है, लेकिन छोड़ना मत कह के जिस्म कह रहा है। जिस्म का मतलब समझी? तुम्हारा जिस्म। मैं सच में पक्का दे दूंगी सर। तू नहीं दे पाएगी, एक काम कर, मेरे साथ सोने आ जा। सर कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पाप सेक्स है, कर्म। उस पाप के लिए भी
आदमियों को औरतों की और औरतों को आदमियों की मदद लगती है। ठीक है आजा, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे बड़े आदमी हैं आप? हाँ, बड़े लोग सब ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारूंगी रास्कल। किसी को धोखा देने नहीं आई हूँ मैं यहाँ, ऐसा कुछ चाहूंगी भी नहीं। कर्ज खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर टिकी हुई हूँ। अभी तक तुझे मैं एक आम लड़की ही समझ रहा था। तू महान है पूर्णिमा, कोई भी तूफान ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती। वैसे ही तेरे प्रॉब्लम्स भी जल्द ही खत्म हो जाएंगे। तू अब हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मोहनराज। हेलो मिस्टर कैमल, गुड मॉर्निंग, हाउ इज योर स्टे? अच्छा था, सर्विस काफी अच्छा था। और वो लड़की पूर्णिमा है ना? आप उसको कैसे जानते हो? कैसे भूल सकता हूँ उसे। हेलो, कौन? मंसूर, तू है कहाँ पर अभी? कौन हो तुम? कौन बात कर रहा है? मुझको तू अपना करीबी समझ, तेरी पूर्णिमा भी मेरे कब्जे में है। जल्दी से तू होटल में आ जा। क्या नया चेहरा लग रहा है क्या? तेरे लिए नया होगा लेकिन पूर्णिमा के लिए पुराना चेहरा है। मैंने सही कहा ना? बहुत तकलीफ हो रही है, जिंदगी में थोड़ा प्रकाश चाहिए बोल रही थी, तो इन्होंने पूरा सहाय किया था इसकी। उस सहाय की कीमत पता है तुमको? कहाँ पता होगा। 50 लाख मुझसे लिए थे और मेरे कहने पर और 2 लोगों ने 25 लाख दिए थे। का देकर भाग गई ना, कहां तक भागेगी? यहां आके पकड़ी गई ना। अब कौन बचाएगा तुझे पता? मुझे थोड़ा टाइम, मुझे टाइम दिया तो तेरा टाइम खत्म हो जाएगा। क्यों पूर्णिमा, क्या करने वाली हो? मैं दे दूं क्या सिंगल पेमेंट, चेक या कैश? उसको क्यों देनी है? क्या उसके पास? क्यों मंसूर, है क्या तेरे पास कुछ? कैसे हो गए तेरे पास? After all, एक डेली लेबर जो हो, कमीशन एजेंट, तुम तो बल्ब, स्विच, छोटा सा वायर, ये सब बेच के 5% कमीशन भी मिला तो महीने का 10,000 कमा भी लेते हो क्या? मेरे घर के टॉयलेट क्लीनर को भी मैं तुमसे ज्यादा सैलरी देता हूँ, समझे क्या? अब चल निकल यहाँ से। ए, तुझे पैसे मैं दूंगा, इसे छोड़ दे।
मंसूर, क्या हुआ? क्या हुआ है तुझे? हमने इतनी बार तुझे कॉल किया, उठाया क्यों नहीं? तुझे इस बात का पता है क्या हम कितने टेंशन में आ गए थे? जो भी है तू हमको बता सकता है ना? मैंने शंख घुमा कर देखा, आज शर्मा पहले बैटिंग करने उतरेगा, देखना मेरी बात सही निकलेगी। ये शंख तेरे छाती में घोप दूंगा। अयो, भविष्य बताने का टाइम है क्या ये? हम सब उसकी चिंता में लगे हुए हैं। हुआ क्या है तुझे? इससे पहले तो तुझे इतने टेंशन में कभी नहीं देखा। यार बोल तो कुछ, क्या हम तेरे दोस्त नहीं है? के लिए एक आदमी का गांव छोड़ना ही बड़ी बात है। ऐसे में एक लड़की जीने के लिए गांव छोड़कर यहां आई है, ये बड़ी बात है। बेचारी पूर्णिमा यार। बेचारी तो है, लेकिन पैसे ये देगा ये बात बोलकर आया, लेकिन कम रकम थोड़ी ना है, कहां से इतना पैसा देगा ये? अब इसी बात का तो रोना है। सिचुएशन वैसी है और कोई चारा नहीं, इतने पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा? ओए ओए सुन, मेरा शंख कब से ऐसे ही पड़ा, घुमा कर देखो क्या पैसे मिलेंगे कि नहीं पता चल जाएगा। नहीं चाहिए क्या? मेरे शंख पे तुम लोग को भरोसा नहीं है क्या? आज तुम्हारा भी टाइम खराब है। अरे तुझे किसने कहा था बोलने के लिए कि मैं सारे पैसे दे दूंगा? पैसे देना या ना देना ये तो बात की बात है। पैसे भी पूर्णिमा एक मामूली वेटर्स तो है। क्यों, वेटर्स होना गलत बात है क्या? सुन, दुबई में रह के तुझे इतना भी समझ नहीं आया, यहाँ के लड़कियों पे भरोसा मत करना। कुछ भी ऐसा वैसा बोल मत जेम्स। क्यों, दूध की धुली थोड़ी ना है वो? ऐसी वैसी लड़की नहीं है पूर्णिमा, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अगर तू उसे जानता है तो बता, मुझे भी बता उसके बारे में। हाँ, तू थोड़ा सोच समझ के बात किया कर जेम्स। ए, ऐसे लड़कियों के बारे में कैसे बात करेंगे? ऐसी लड़कियों को देखने का रेट अलग होता है, उनके पास बात करने का रेट अलग होता है, हाथ लाकर बात करने का रेट अलग होता है, साथ में सोने का रेट अलग होता है। पहली बार थोड़ी जानता हूँ ऐसी लड़की को। दोस्त है इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। ओ तो तू दोस्ती भूल गया क्या इतने सालों की? इसीलिए तू उल्टा बोल रहा है क्या? मुझसे बढ़कर है क्या वो लड़की? अपने मर्यादा में रह के बात कर, तुझसे बढ़कर है वो मेरे लिए। ऐसा मुझसे बढ़कर तुझे उस अप्सरा में क्या दिख गया? मंसूर, अरे क्या कर रहा है यार? मंसूर छोड़, सुन मेरी बात, समस्या क्या तू अंदर जा, छोड़ मुझे, छोड़ जा, चल बाहर जा। मंसूर मेरी बात सुन, मंसूर जेम्स को उधर लेके जाओ। मंसूर मेरी बात सुन, मंसूर बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी चल अंदर, अंदर चल, तू मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन, चल अंदर। ये क्या हो रहा है यार? आनंद, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, ऐसे लोगों के साथ रुकना ठीक नहीं है। आनंद, मैंने दूसरा फ्लैट देख लिया है। नहीं, क्या है ये? तू चल मेरे साथ। ओए, क्या बोल रहा है तू? हम जब आपस में झगड़े करते हैं तू हमें साथ मिलाता है, अब तू खुद कैसा झगड़ रहा है? रात को कितना भी लेट आए जेम्स हमेशा तेरे बारे में पूछता है, सुबह कितना भी जल्दी निकले तू भी उसी के बारे में पूछता है। ऐसे में अचानक तू निकल के जाएगा तो सोचा है क्या होगा? और कोई रास्ता नहीं बचा है। सुन, इस प्रॉब्लम का हल निकाल यार, बल्कि तू दोस्तों से बिछड़ने का मत सोच। सुन, तू मेरे साथ आ रहा है या नहीं? चल मेरे साथ। सुन, मैं तो तुझे सॉरी नहीं बोलने वाला, मुझे जो सही लगा वो मैंने बोल दिया, चाहिए तो ले वरना छोड़ दे। क्या तेरे यहां से जाने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? अभी अपनी प्रॉब्लम क्या है, उस लड़की को बचाना है, तुझे पैसे चाहिए ना, उसके बारे में सोच। तुमने ये बात बिल्कुल सही कही, भले ही तुम क्रिश्चियन हो लेकिन तुम्हारी कुंडली मैंने देखी, तुम्हारे नक्षत्र के हिसाब से आज का तुम्हारा फल कुछ अजीब सा था, लेकिन नसीब से सब कुछ ठीक हो चुका है। अब हम दोस्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात मैं नहीं बता रहा, ये बात मेरे शंख की शक्ति बता रही है। अपने काम में लेन देन की प्रॉब्लम होती ही है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम यहाँ मेहनत करने आए हो, ना कि ये सब करने के लिए। अच्छा, कितने पैसों की जरूरत है? 50 लाख रुपए। एक पल भी नहीं लगा ये बोलने को, कहां से लेकर आओगे इतने पैसे? ये करना बिल्कुल सही नहीं है, छोड़ दो ये सब।
सर, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। चार जगह से कमाकर एक जगह खर्च करना, तुमको अभी कमाने का जरिया नहीं मिला है, लेकिन खर्चा तैयार है। मुझे नहीं लगता मुझसे ये सब होने वाला है। सर, आप इनकी मदद करेंगे सोचकर मैं इन्हें लेकर यहाँ आ गया। जेम्स, 1-2 लाख रुपया होता तो मैं अभी दे देता, 10 लाख भी होता तो मैं अरबी का पैसा डाल देता, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? अच्छे लोग होते तो बात करके भी देखा जा सकता था, लेकिन मोहन राज, वो किसी का नहीं सुनेगा, पागल आदमी है। किसी लड़की के लिए इतना रिस्क लेना जरूरी है क्या? पूर्णिमा ऐसी लड़की नहीं है सर, हर प्रॉब्लम में साथ रहने का वादा तो नहीं दिया है, लेकिन हम वैसे ही जीते हैं। मैंने जब उसे चाहा तो उसके प्रॉब्लम्स मुझे नहीं पता थे, अब जानने के बाद उसे छोड़कर जाना सही है कि आप ही बताइए? मैं सही हूं ना सर? ठीक है, देता हूं। हेलो पूर्णिमा, गोपाल सर पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं, अब मोहनराज को बोल दे कि पैसे उसे मिल जाएंगे। मिस्टर आनंद, अहमद को अचानक से अपने गांव जाना पड़ा, उनकी जगह कुछ दिनों के लिए हमारे साथ काम करेंगे। हाँ ठीक है। Excuse me? Okay. हाँ। Okay, अकमल, you can go. हाँ, भैया। तुम कैसे हो आनंद? मैं ठीक हूँ। दीदी कैसी है? ठीक है, लेकिन कल रात को दीदी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, उनकी पल्स ड्रॉप हो गई। तो अभी कैसी है? हाँ, डॉक्टर देख कर गए, कुछ और दवाइयाँ लिखी है। सब ठीक होगा, आप हर वक्त दीदी के पास ही रहना भैया। हाँ, मैं सब कुछ देख लूंगा, तू परेशान मत हो। ठीक है भैया, सब ठीक होगा। मैं अभी साइट पे हूँ, रूम में जाके कॉल करता हूँ आपको। ठीक है। डिस्टर्ब थे, मिस्टर मोहन बता रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है मैम। मुझे नहीं बता सकते हो? मेरी दीदी गांव में काफी सीरियस है, इसी बात का टेंशन है मुझे। वो स्कूल में एक बहुत अच्छी म्यूजिक टीचर थी, एक दिन क्लास लेते वक्त अचानक बीमार पड़ गई। स्कूल के सारे बच्चों की जान थी वो, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा है उनको मेनिनजाइटिस हुआ है, ट्रीटमेंट चल रही है। दीदी सीरियस है ये बात सुनकर मैं थोड़ा अपसेट हो गया था। सॉरी मैम। डोंट वरी आनंद, तुम्हारी दीदी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेनिनजाइटिस। हेलो मैडम। आनंद। यस मैडम। कल सुबह हम आबू धाबी जाएंगे, एक डॉक्टर से मिलने। ठीक है मैम। ओके। हाय। हाय मैम, डॉक्टर जॉन अब्राहम, फर्स्ट फ्लोर सेकंड कैबिन। थैंक यू। यू वेलकम। Who's this patient? My sister, sir. Mr. Anand. See, Mr. Anand. Sir. Meningitis is the infection that affects brain in the spinal cord. Sometimes it damages the brain. In your sister's case, it starts getting complicated. कल भी थोड़ी दीदी सीरियस है कह के फोन आया था। डोंट वरी मिस्टर आनंद, आपके दीदी का केस हिस्ट्री मैंने देखा, उसमें कोई गलती नहीं हुई है। डॉक्टर्स ने जितने ट्रीटमेंट किए हैं सब सही किए हैं। एनी हाउ मैं नेक्स्ट मंथ इंडिया आऊंगा, तब तुम्हारी दीदी से जरूर मिलूंगा। ओके, डोंट वरी। ठीक है। थैंक यू। यू आर वेलकम। हैव अ नाइस डे। कैसे थैंक्स बोलूं मुझे नहीं पता। हो गए ना शुरू, आई एम नॉट अ सोशल वर्कर। मेरी दीदी के लिए आपने बहुत तकलीफ उठाया, थैंक यू। हम बहुत से लोगों से मिलते हैं रोज, बाय सीइंग देम दे डोंट बिकम नोन पीपल। पहचान का हर कोई दोस्त बने ऐसा जरूरी नहीं है, बस
बस स्टॉप में बस का टाइम पूछने के लिए भी एक लड़की भरोसेमंद इंसान को ही ढूंढती है। और मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। That's why I'm coming with you. We are planning a prestigious project on an exclusive mountaintop. Definitely it'll be a landmark hotel globally. All the plannings and permissions are done. We are going to launch the project very shortly. See how the younger generation take over us. Nisha, why don't you take Bashir out and also take him for a desert drive? Go ahead. Okay, Daddy. Bashir? Yeah, sure. Made for each other. They are a good match. Why don't they join together in life also? Okay, I also felt the same. Let's plan it. That's it. Hello. भैया मैं फातिमा बोल रही हूँ. हाँ फातिमा बोलो. अब मैं यहाँ पे एक मिनट भी और नहीं रह सकती. अगर आप मुझे हेल्प नहीं कर सकते तो मैं यहीं पर मर जाऊंगी. कुछ भी मत बोलो फातिमा. प्लीज मुझे किसी भी तरह मेरे पेरेंट्स के पास भेज दीजिए. मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी. मेरी जिंदगी अब सिर्फ आपके भरोसे है. तू ज्यादा डर मत. मैं तुझे जल्द से जल्द वहाँ से निकाल लूंगा. ठीक है भैया. लेकिन एक बात सुन. बोलिए. इसके बारे में नौशाद को बिल्कुल पता नहीं लगनी चाहिए. और सुन, टिकट बुक करके मैं तुझे कॉल करता हूँ. ए जेम्स, कितने दिनों बाद दिख रहे हो. कैसे हो तुम. मैं ठीक हूँ. मुझे एक अर्जेंट कोची के लिए टिकट बुक करवानी है. क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो. मेरी पहचान की एक लड़की है, उसे अर्जेंट गांव जाना है. ठीक है, नाम बताओ. फातिमा. पासपोर्ट पर भी यही नाम है ना. पता नहीं, डाउट है, पूछ के बताता हूँ. डाउट है, क्या है ये. हेलो. हाँ फातिमा, पासपोर्ट पे तेरा नाम क्या है. फातिमा रहमान. मैं अभी ट्रेवल्स में हूँ, टिकट निकाल के कॉल करता हूँ. ओके भैया. जेम्स, पासपोर्ट का नाम अभी पूछ रहे हो, बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो. तुम बिल्कुल डरो मत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब मैं देख लूंगा. जल्दी से टिकट निकाल कर दे दो प्लीज. अगर टिकट कंफर्म हो गया तो मुझे कॉल करना, मैं आके ले लूंगा. ओके जेम्स. जल्द से जल्द उसे ढूंढ के लाओ. अगर पुलिस को पता लग गया तो हम सब अंदर हो जाएंगे. इसके पीछे जरूर कोई है. मंसूर, इस दुनिया में जान भी देने के लिए लोग हैं, लेकिन कर्ज कर्ज कोई नहीं देता. ये बात बिल्कुल सच है कि नहीं.
लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तुम लोग बिल्कुल अपने जैसे लगते हो। अमाउंट काफी ज्यादा है, जितने जल्द तुम्हारे पास हो सके उतने जल्द मुझे दे देना। दे दूंगा सर। लक्ष्मी जी आई। पीने के लिए कुछ लाओ। जी नहीं, मुझे जरा स्कूल जाना। गिन कर देख लो। नहीं सर, आप पर भरोसा है हमको। पैसे का मामला है ना, देने वाला गिन कर ना दे, लेने वाले को गिन लेना चाहिए। देखा, अच्छा सुकून है। जेम्स देखो कौन है। ठीक है सर। सर यू मिस्टर गोपाल कृष्णन, आई डिडंट बिलीव इन माय ओन ब्लड। I believed you, but you cheated me. Millions of dirhams. I want my money back immediately. Understand? I can put you in jail. But I didn't, because your family is here. They should not leave the country. Jitu, take all their passport, this money, and come to my office. Come fast, don't delay. तूने किया ना? अब कब तक तुम्हारा ड्राइवर बना रहूंगा? मुझे भी खुद के लिए ड्राइवर रखना है। ये तरीका तो तुम्हारा ही सिखाया हुआ है। अब जाओ अपना पासपोर्ट लेकर आओ। सर क्या हुआ? सर क्या? सर आप ठीक तो हैं? सर सर क्या हुआ? सर डॉक्टर बुलाओ क्या? सर बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक तो हो ना सर? क्या बताऊंगा? पैसों का इंतजार कर रही है वो। सिर्फ गोपाल सर ही थे मदद के लिए, अब वो भी नहीं है। मोहनराज का दिया हुआ समय खत्म होगा। पूर्णिमा को कैसे बताऊंगा? वो सह नहीं पाएगी। मैं कैसे समझाऊंगा उसे? सब खत्म हो गया। तुझे बताना पड़ेगा, बताना जरूरी है। क्या हुआ मंसूर? मंसूर, मेरी कंपनी से 6 महीने की सैलरी मांगू तो शायद वो दे देंगे। मिला तो काम आ जाएगा ना। सुन, गांव में मेरे कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, वो गिरवी रखी है। उसे वापस लाने के लिए मैंने कुछ पैसे जमा किए। वापस आने से मेरे कुछ कीमत होगी, लेकिन अपनी फ्रेंडशिप के सामने वो कीमत कुछ भी नहीं। कैसे भी करके मैं तुझे पैसे जरूर दूंगा। मोहनराज का दिया गया समय निकल गया। पूर्णिमा अब क्या करेगी? क्या करेगी वो? पैसे मिले तो सेटल करेगा बोला था ना, अब क्या? पैसे तो नहीं मिले ना, छोड़। हम ही उस मोहनराज को इस दुनिया से बाहर भेज देते हैं। तू तेरा गुस्सा निकालेगा तो उसका असर पूर्णिमा पे पड़ेगी। मुझे भरोसा है, जब एक रास्ता बंद होता है तो कहीं से दूसरा रास्ता खुल जाता है। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ पूर्णिमा, मेरे फ्रेंड्स भी हेल्प करेंगे, ऑलमोस्ट पैसे मिल जाएंगे। नहीं मंसूर,
रहने दो। क्यों? मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मंसूर। उससे भी ज्यादा मुझे मेरी खुद की किस्मत पर भरोसा है। जो कुछ भी होना है वो सब हो जाने दो। मेरी वजह से तुम भी तकलीफ में हो, मत करो। ठीक है, तुम जाओ, ड्यूटी का टाइम हो गया, मोहनराज देख ना ले। हेलो। हेलो जेम्स। हाँ बोलो दीदी। कल सुबह घर से निकले थे वो। हाँ। अब तक नहीं आए हैं, कॉल भी नहीं लग रहा है। पता करता हूँ दीदी, दो दिन पहले कतार जाएंगे बोल के बताया था, शायद वही गए होंगे। दीदी तुम जरा पता करके मुझे कॉल कर दोगे? ठीक है दीदी। हेलो जेम्स। जीतू। हाँ बोल जीतू। जल्दी आ जाओ जरा। हाँ क्या हुआ? सीरियस मामला है, गोपाल सर अब नहीं रहे। क्या बोल रहा है तू? सुसाइड किया है सी साइड विला में। दो दिन बाद इनकी वॉचमैन को बॉडी मिली है। अभी फिलहाल पुलिस कार्रवाई चल रही है, जो होगा आरबी देख लेगा। I never expected him to take such a drastic decision. I feel sorry for his family, but what can I do? It's his fate. I really don't want his family to suffer. James, look, these are their passports and 100,000 dirhams for their family to go back to India. God bless them. Take care. सुसाइड किया तो पैसा नहीं देना पड़ेगा ना। अरे भी अच्छा इसलिए छोड़ दिया। यार दीदी को कैसे बताऊंगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ यार, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके। छुपाने लायक बात नहीं है ये, उनको गुजरे हुए दो दिन हो गए, बच्चों को ना बताना ही बेहतर है। चल Thank you.
बेटी दुबई में छुप कर बैठी है क्या? ध्यान रख, तेरी बेटी कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन कैमल सर के हाथों से वो नहीं बच सकती। हम सब अकेले रहते हैं यहाँ, तुम सब यहाँ आकर अन्याय मत करो हमारे ऊपर। तुझे दिया हुआ टाइम अब खत्म हो चुका है, मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो कोई नहीं बचेगा यहाँ। मेरी बेटी तुम्हारे पैसे जमा करा देगी, जल्दी ही करा देगी। यही बात तू कब तक बोलती रहेगी है? अगली बार आऊंगा अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी लड़कियों को उठा लूंगा, सोच ले। सर, माँ वो कौन थे? आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बोलो माँ। तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक तो हो ना माँ? मैं यहाँ क्या अच्छी रह सकती हूँ बेटा, मेरी तकलीफ तो तुझे पता है, यहाँ कभी भी कोई भी आकर हंगामा मचाता है बेटा। क्या बोल रही हूँ? वो कैमल के लोग यहाँ आकर पैसा मांग मांग कर हमें धमकी देते हैं बेटा। दो जवान बेटियों को अकेले पालना कितना मुश्किल काम है बेटा। पैसे जमा कर रही हूँ माँ, मैं बहुत जल्द आऊंगी। तुम अपने आने से पहले पैसे भेज दो बेटा। हिम्मत मत हारो माँ, कुछ नहीं होगा, हमारी ये हालत बहुत ही जल्द सुधर जाएगी। तू जल्दी से पैसे भेज दे, नहीं तो हम यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे। क्यों रे? तूने ही फातिमा का टिकट निकाला था ना? वो है इसके पीछे, उसको बिल्कुल छोड़ना मत, खत्म कर दे, do it fast। जेम्स, सारे डुप्लीकेट माल आ चुके हैं। कहां से आया है? कौन है, कहां पर है माल, सब सामने आके देख लो। पर डुप्लीकेट माल लेने आए है ना? तेरे सामने ही तेरा डुप्लीकेट माल खड़ा है, तू देख ले उसे। तूने ही फातिमा को गांव भेजा है ना? अब देख मैं तुझे लोग दुनिया से कैसे भेजता हूँ। मारो से। Oh!
ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? बोलना मंसूर। जेम्स को किसी ने मारा है। कैसा है अभी वो? आईसीयू में है। डॉक्टर बोल रहे सीरियस है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी आता हूँ। कौन से हॉस्पिटल में है वो? जीएमसी हॉस्पिटल। पूर्णिमा फोन नहीं उठा रही है। तो पूर्णिमा की टेंशन मत ले, मैं आते वक्त देख कर आता हूँ। दिया गया टाइम अब खत्म हो चुका है। तूने जो समय मांगा वो भी खत्म हो चुका है। तुझ में मेरी इंटरेस्ट है, इसकी वजह से मैं मिस्टर कैमल को काफी प्रेशराइज कर रहा हूँ। यू कैन पुश दिस एनी फ्यूचर। बता क्या सोचा है तूने? सर, आप यहाँ आ जाइए। गुड। हेलो पूर्णिमा। ओ तू यहाँ खड़ी है। तो फिर क्या सोचा तूने? ज्यादा कुछ सोचना नहीं है सर। कब का तय कर लिया था। मंसूर ही मेरा सब कुछ है। सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए दूसरों के सामने सर झुकाना पड़े तो लड़कियां एक पल भी शांति से नहीं जी पाएगी। तेरी फिलोसफी सुनाने के लिए तूने मुझे बुलाया है क्या? तुम्हारे पैसों से तुम कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन एक लड़की का दिल नहीं खरीद सकते। ये बताने के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। बहुत लोगों को ढूंढने वाला मन सिर्फ एक ही के लिए तड़पता है। तुम्हारे पैसों से तुम कभी भी किसी का दिल नहीं जीत सकते हो। और अब भी मेरा दिल मंसूर के लिए धड़कता है। सब मेरे हाथ से छूट गया। ये कुछ भी तय करने का वक्त नहीं है, खुद को खत्म करने का वक्त है। कर्ज में डूब कर मर सकती हूँ, पर तुम्हारे सामने इज्जत पेश कर नहीं जीना है मुझे। मरना चाहती है। तुझे जिंदा रहने के लिए किसने कहा है? तू कैसे भी मर जाए, सब तुझे शमशान में ले जाकर छोड़ देंगे। लेकिन मेरी जान, मरने से पहले मेरी प्यास तो बुझा दे। Oh!
मिस्टर मंसूर, इंडिया के जैसे यहां इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती। एक तरफ तुम्हारा दोस्त, दूसरी तरफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तुम्हारा प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं, लेकिन यह एक मर्डर केस है, बेल तक नहीं मिलेगी। सर, उसने जानबूझकर नहीं किया। न्याय के नाम पे हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन नियम के सामने यह सब बिल्कुल नहीं चलेगा। हम सब एक ही गांव के हैं ना सर, मैं आप पे भरोसा करके आया हूं। कुछ तो रास्ता निकालिए सर। मंसूर, आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस। मैं कितना भी बड़ा लॉयर हूं, इस शहर में मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ के अरबी लॉयर्स ही कुछ कर सकते हैं। क्या वो दोनों कभी बाहर नहीं आ पाएंगे सर? फिलहाल तो बहुत मुश्किल है, किसी बड़े अरबी लॉयर को जाकर मिलना पड़ेगा। उनकी फीस बहुत ज्यादा होगी मंसूर। इसके अलावा बड़े बिग शॉट्स के इन्फ्लुएंस भी लगेंगे मंसूर। तुमसे हो पाएगा ये सब? किसी बड़े अरबी लॉयर को जाकर मिलना पड़ेगा। उनकी फीस बहुत ज्यादा होगी मंसूर। तुमसे हो पाएगा ये सब? मंसूर, हेलो। हेलो मंसूर जी, आप कौन? मैं आनंद का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। अरे मंसूर, मंसूर। हाँ, क्या हुआ? सुन, गांव से आनंद के साले का कॉल है। आनंद के घर से? हाँ, ले तू बात कर, तू ही बात कर। हेलो। हाँ मंसूर, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं 2-3 दिन से आनंद का फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा। नहीं अंकल, वो यहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है तो कहाँ गया फिर? वो दरअसल वो किसी काम से बाहर गया है। 2-3 दिन से मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जी, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। वो करेगा कॉल, आपको कॉल करने के लिए बोलता हूँ मैं। ओके। तू ही बता, कितने दिनों तक मैं सच्चाई उनसे छुपा पाएंगे? फिर मैं उन्हें क्या बोलूं? जो इंसान यहाँ नौकरी के लिए आया था वो अब जेल में। आनंद और पूर्णिमा क्या बाहर आएंगे? हम उनसे दोबारा मिल पाएंगे क्या? तूने बोला था आनंद के लाइफ में एक लड़की आएगी तो सब अच्छा हो जाएगा, अब देख क्या हो गया। तुझे तो पता है इस शहर का कानून बहुत सख्त है यार, मुझे नहीं लगता यार वो कभी बाहर निकल पाएगा। तू चुप कर, कितने तकलीफों का सामना कर रहा हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, सबके पैरों पर गिर रहा हूँ। वो वकील से मिला तो पूछते हैं कितना पैसा देंगे, दूसरे वकील के पास गया तो बोलते पैसे से कुछ नहीं होगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये सब मेरे वजह से ही हुआ है। गांव से अच्छे काम के लिए आया था वो मेरे पास, सब मेरी गलती है। सच में उसे नहीं, मुझे
मुझे अंदर जाना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं आ पाए तो तुम मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मंसूर तू इमोशनल मत हो। दुनिया का कोई भी दोस्त दूसरे दोस्त का बुरा नहीं चाहता, उसका भला सोच कर तू उसको यहाँ पे लेके आया था ना। लेकिन ये सब क्या हो गया यार, अभी उसको कैसे भी करके हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा यार। बाहर तो निकालना है, लेकिन वो कौन कर पाएगा? बहुत ही अच्छे इंसान थे वो अपने गोपाल सर, वो भी छोड़कर चले गए। हर बात पे हिम्मत देने वाला जेम्स भी हॉस्पिटल में है। अब हम पूरी तरह अनाथ हो गए हैं, अब हमारी मदद के लिए कौन आगे आएगा, कौन हमारा सहारा बनेगा? हमको निशा की मदद चाहिए, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। मदद के लिए जहां भी जाता हूं सब मुझे वापस भेज देते हैं। तुम चाहो तो अपनी डैडी से बात कर सकती हो, अब वही उन दोनों को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। प्लीज Did you kill him? Tell the truth. No, sir. I did not kill him. Things are looking very difficult in this case. I feel it will take a lot of time. Only option is blood money. Call Mohan Raj family. Give them whatever money they want. Finish it off once for all. इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया मुझे? मंसूर वो बात ये है कि आनंद और पूर्णिमा कल ही जेल से निकल जाएंगे। क्या बोल रही हो निशा, सच में लीगली तो कुछ नहीं कर सकते थे ना? वो असल में लीगली कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कानून इतना टफ है, कोई इन्फ्लुएंस यहाँ काम नहीं आता। इन सबसे बढ़कर ब्लड मनी करके कुछ होता है। जो अफेक्टेड फैमिली होते हैं उनको कंपेंसेशन दे सकते हैं, वो भी अगर फैमिली मान गई तो। उस हिसाब से मेरे डैडी ने मोहन राज की फैमिली को एक अमाउंट देकर मना लिया और इस केस को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। प्रणाम। निशा के डैडी के बहुत पैसे गए होंगे ना? मेरे डैडी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है मंसूर, जो खरीद सकते हैं वो खरीदते हैं, जिनको बेचने का मन नहीं है उनको हार कर छोड़ देना पड़ता है।
तुमको पहली बार अंधे के रूप में देखने की वजह से अपना प्यार भी अंधा हो गया। मैं कोई भी चीज पैसों से खरीद सकती हूँ, लेकिन प्यार नहीं खरीद पाई। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे आनंद। सच कहूँ तो मेरा दिल ही तुम्हारा है। तुम्हें बाहर निकालने के लिए जब मैंने डैडी से मदद मांगी। आज तुझे अपने ही पिता से मदद मांगने के लिए तुझे बुरा लग रहा है? अपने पिता को पराया कर दिया बेटी? तेरा उस आनंद को पसंद करना, उसे अपने ही कंपनी में तेरा ये एक अच्छा जॉब दिलाना, अबू धाबी में डॉक्टर से मिलने जाना, मुझे सब पता है बेटी। बीज बोने वाले को पूछकर नहीं उगती बेटी, लेकिन बोने वाले को पता चल जाती है कि वो कब उगती है। अब तक तूने जो भी मांगा मैंने खरीद कर दिया बेटी। वो मेरा तेरे प्रति प्यार है, लेकिन उस प्यार के बदले में तू मुझे प्यार मत दे, बल्कि गौरव रूप में दे मेरी बेटी। मैं चाहता हूं कि तू बहुत तरक्की करे। मैं सीना तान के सबसे ये कह सकूं कि तू मेरी यानी कि इब्राहिम की बेटी है। अगर तू कुछ गलत करेगी तो सोसाइटी भी गलत बातें करेगी, मेरा मान सम्मान एक पल में गिर जाएगा। तुम कुछ ऐसा काम करो कि मैं सीना तान के सोसाइटी में चल सकूं। तुझे तेरी ये इच्छा छोड़नी पड़ेगी, तुझे उसे भूलना पड़ेगा। अगर तू तेरा प्यार भूल जाएगी तो कल ही वो जेल से बाहर निकल आएगा। डैडी का मान सम्मान तेरे हाथ में है। तुझे मेरी इज्जत प्यारी है या उसका प्यार बेटी, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। हम दोनों का प्यार सच्चा है, लेकिन उस सच्चाई के बीच में एक अलग सच है, किस्मत का सच। भले ही बहुत तकलीफों के बीच मैंने अपना ये फैसला लिया, लेकिन आनंद की अच्छाई ही मेरे सामने दिख रही है। इन सब बातों की अच्छी यादें लेकर जा रही हूँ मैं। कुछ साल बाद जिंदगी में बदलाव अनिवार्य है। वह बदलाव इस दोस्ती में भी थे। रेत की हवा की गति में वह अपनी जिंदगी की दौड़ में लग गए। पिछली जिंदगी के गलत संबंधों को छोड़कर एक छोटे सुपरमार्केट का मालिक बनकर जिंदगी को सही राह पर जेम्स एक अपनी आम जिंदगी जी रहा है। सुंदर एक ऑटो ड्राइवर बनकर अपने परिवार के साथ चेन्नई में जी रहा है। खोया हुआ प्यार और जिंदगी वापस लेकर पूर्णिमा और मंसूर उनके पैसों की कमी पूरी करके शादी कर आज दुबई में सुखी से जी रहे हैं। स्वामी ओम देव शांति अंतरिक्ष ब्रह्म शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रो सदा शांति वनस्पति शांति विषय देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वदम शांति। मेरे छोटे शंख को बड़ा शंख बना दिया, इस शंख को और बड़ा बना दे भगवान। खुद के प्रवचन में पूरा विश्वास रखकर भविष्यवाणी के साथ दुबई और गाँव में जी रहे हैं। दुबई के माया नगरी में अपने लिए जिंदगी त्याग कर कहीं गई हुई निशा की आग में रंगीन यादों के साथ एक बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला आनंद ऊंची सोच के साथ इस शहर की सच्चाई भरी हवा में आसमान के महल के नीचे वह नए विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है।